जय श्री कृष्णा राधे राधे आज हम नव देवियों की कथा का चवन करेंगे नव देवियों की कथा के बिना घर परिवार में खुशियां अधूरी रहती है जो इन नव देवियों की महिमा से अवगत हैं इनकी कथा को सुने बिना सब अधूरा रहता है इनकी महिमा को तो देवताओं ने भी स्वीकार किया है ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सूर्य चंद्रमा इंद्र वरुण गंधर्व आदि कोटि देवताओं ने इनके सामने अपना मस्तक झुकाया है आर्थिक संकट को को हरण करने वाली, वाली, दुखों को सुखों में बदलने कुबेर के समान धन धान्य के भंडार देने वाली सुख सौभाग्य पुत्र पोत्र पति सुख कुमारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी देने वाली इन देवियों की कथा को सुनने मात्र से हर वर्ग के लोगों की झोलियां खुशियों से भर जाएगी आइए आज हम इन नौ देवियों की कथा का श्रवण करते हैं नौ देवियों में बेमाता की कहानी जरूर सुननी चाहिए आइए अब हम बेमाता की कहानी सुनते हैं सबकी किस्मत बेमाता लिखती है अपने अपने कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है और किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता तब एक बार की बात है बेमाता की एक बेटी थी उसके पैदा होते ही बेमाता ने उसकी भी किस्मत घड़ दी जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो उसने देखा कि उसकी माँ रोज सुबह नहा धोकर एक चौकी के पास दरी बिछाकर बैठ जाती है और एक बहुत बड़े रजिस्टर में कुछ लिखती रहती है पास में ही उसके पास मिट्टी का ढेर पड़ा होता है तो वह उस मिट्टी से मनुष्य की कोई आकृति बनाती और बिगाड़ती रहती है जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपनी माँ से पूछा कि अरे माँ आप ये क्या करती रहती हो मुझे भी सिखाओ मैं भी करना चाहती हूँ तो बेमाता बोली कि बेटी मैं तो बेमाता हूँ मनुष्य के जन्म लेते ही उसकी किस्मत लिख देती हूँ और इस मिट्टी से उसका शरीर भी घड़ती हूँ और मैं ही बिगाड़ती हूँ तब बेटी बोली कि माँ फिर तो आपने मेरी भी किस्मत जरूर लिखी होगी आप मुझे बताइए आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है तो माँ बोली बेटी अभी तू बहुत छोटी है जब तू अठारह साल की हो जाएगी तब तुझे बता दूंगी बेमाता ने सोचा कि इस तरह उसकी बेटी भूल जाएगी लेकिन बेमाता की बेटी तो रोज दिनों का हिसाब लगाने लगी कि कब मैं अठारह साल की होऊं और कब मैं अपनी माँ से मेरे भाग्य का लिखा पूछू जब बेमाता की बेटी अठारह साल की हो गई तो उसने फिर से अपनी माँ से पूछा कि माँ आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा अगर आज तुमने नहीं बताया तो मैं अनजल का त्याग कर दूंगी बेमाता ने कहा कि बेटी जाने दे क्या रखा है इन सब बातों में समय आने पर तुझे खुद ही पता चल जाएगा लेकिन बेटी नहीं मानी बेमाता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया प्यार से समझाया डांट कर समझाया लेकिन बेटी ने जिद पकड़ ली तब बेमाता को तो पता था कि उसने अपनी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है आखिरकार माँ हार गई आखिरकार बेमाता को अपनी बेटी के जिद के आगे हार माननी ही पड़ी बेमाता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तेरे भाग्य में मैंने लिखा है कि तेरा विवाह तेरे जन्म जाए बेटे से ही होगा ऐसा सुनते ही उसकी बेटी आग बबूला हो गई और अपनी माँ को गालियां देने लगी और बोली कि अरे बेमाता रांड, तूने अपनी ही बेटी को नहीं छोड़ा तो तू दुनिया को क्या छोड़ेगी अरे चोर भी चोरी करता है तो अपने चोर भाई के घर में चोरी नहीं करता तूने तो अपने ही घर को नहीं छोड़ा तू मेरी माँ नहीं हो सकती तू तो डायन है डायन और उसी समय अपनी माँ का घर छोड़कर जाने लगी बेमाता ने अपनी बेटी को बहुत रोकना चाहा, लेकिन उसकी बेटी नहीं रुकी क्योंकि उसे मालूम था कि आगे उसकी बेटी के भाग्य में क्या होने वाला है बेमाता की बेटी ने उस गांव उस शहर को ही छोड़ दिया और एक वन में जाकर एक कुटिया में जाकर रहने लगी उसने निश्चय किया कि मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो बेटा कहां से होगा तब उसने निश्चय किया कि मैं किसी मर्द की छाया भी अपने शरीर पर नहीं पड़ने दूंगी अब वह कंद मूल फल खाने लगी सुबह तड़के ही तालाब से एक मटका भरकर पानी अपनी झोपड़ी में ले आती इस तरह पूरा दिन और पूरी रात वह झोपड़ी में अपना समय गुजारने लगी तब एक बार की बात है ज्येष्ठ का महीना चल रहा था बहुत तेज कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी उस वन में एक साधु तीर्थ यात्रा करते हुए उधर से गुजरा। साधु को बहुत तेज पानी की प्यास लगी थी भ्रमण करते करते वह उसी कुटिया के पास पहुंचा जिस कुटिया में बेमाता की बेटी रहती थी साधु सोचने लगा कि जरूर कुटिया में कोई रहता होगा पीने का पानी जरूर मिल जाएगा साधु ने कुटिया खटखटाई अंदर से बेमाता की बेटी ने कहा कौन है खबरदार चले जाओ यहाँ से मैं किसी भी पुरुष से बात नहीं करती हूँ साधु बोला पुत्री बहुत तेज पानी की प्यास लगी है मुझे क्या पीने का पानी मिलेगा तब कुछ सोचकर बेमाता की बेटी ने कहा कि हे साधु महाराज मैं एक शर्त पर आपको पानी दूंगी आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए जब मैं झोपड़ी का दरवाजा खोलूं और जल का लोटा बाहर रखूं और लोटा रख कर जब मैं झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लूं तब तक आप आंखें मत खोलना। साधु ने कहा कि बेटी ऐसा ही होगा तब साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली बेमाता की बेटी ने जल का लोटा झोपड़ी के बाहर रख दिया और झड़ से झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया उसके बाद साधु ने आंखें खोली एक लोटा शीतल जल पीने के बाद साधु की आत्मा तृप्त हो गई तो साधु महाराज ने अपने मन में ही बेमाता की बेटी को वरदान दिया कि भगवान करे तुझे एक पुत्र पैदा हो साधु बड़ा ही तप वाला था उसका दिया हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता था उस वरदान से बेमाता की बेटी को गर्भ ठहर गया और नवे महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ जिस दिन बेमाता की बेटी को पुत्र हुआ उस दिन बहुत तेज आंधी तूफान बरसात हो रही थी पुत्र पैदा होते ही बेमाता की बेटी ने अपने पुत्र को अपनी साड़ी के आधे हिस्से में उसे लपेटा और अंधेरे में ही एक खुमार के चाक पर जाकर उसे रखाई और वापस उसी कुटिया में आकर रहने लगी सुबह जब कुमार दंपति सोकर उठे और उन्हें एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने घर के बाहर चाक पर एक सुंदर नवजात शिशु को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए कुमार दंपति बे औलाद थे उन्होंने उस बच्चे को भगवान का दिया उपहार समझा और वे उस बच्चे को पालने पोसने लगे जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो कुमार दंपति ने उसे पढ़ने लिखने के लिए पाठशाला में भेजा बच्चा बड़ा ही होशियार निकला उस पाठशाला में उसी नगर के राजा का कुंवर भी पढ़ने आता था कुमार के लड़के की दोस्ती राजा के के लड़के लड़के से हो गई। इस तरह कुमार का आना जाना राजमहल में होने लगा राजा रानी भी कुमार के लड़के को पसंद करने लगे धीरे धीरे वक्त निकलने लगा कुमार के बेटे को राजा ने घोड़ों की देखभाल के लिए रख लिया कुमार का बेटा बड़ा ही सुढ़ शरीर का सुंदर नवयुवक था कुमार का लड़का रोज घोड़ों की मालिश करता उन्हें स्नान कराता और उन्हें जंगल में घुमाने ले जाता और वापस शाम को अस्तबल में आकर बांध देता इस तरह कुमार का लड़का उसी वन में जाने लगा जहाँ बेमाता की बेटी झोपड़ी बनाकर के रहती थी झोपड़ी के छिद्रों में से बेमाता की बेटी उस नवयुवक को देखने लगी वह नवयुवक भी झोपड़ी के बाहर से उस बेमाता की बेटी से बातें करने लगा धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी नवयुवक बेमाता की बेटी से बोला कि मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी जो मर्द की छाया भी अपने शरीर पर पड़ने नहीं देती मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ तब बेमाता की बेटी ने मन ही मन सोचा कि इतने बरस हो गए हैं मेरा बच्चा तो मरखप गया होगा यह नवयुवक तो कोई अन्य ही है बेमाता की बेटी ने नवयुवक से उसके परिवार वालों के बारे में पूछा तो नवयुवक ने पूरी बात बताई कि मैं एक कुमार का लड़का हूँ और इस नगर के राजा के अस्तबल में नौकरी करता हूँ अब तो बेमाता की बेटी को पूरा निश्चय हो गया कि मेरी शादी तो किसी अन्य से ही हो रही है तब कुमार दंपति ने अपने पुत्र के पसंद की लड़की से अपने पुत्र का धूमधाम से विवाह करवा दिया विवाह की सारी रस्में हो गई सभी देवी ढोक लिए गए सुहाग थाल की रसम चल रही थी तभी मजाक मजाक में बेमाता की बेटी ने अपने पति से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है कुमार दंपति भी वहीं बैठे हुए थे पुत्र ने अपने माता पिता से पूछा कुमार दंपति बोले कि बेटी शायद हमारा बेटा बीस साल का होगा बेमाता की बेटी अपने सास ससुर से बोली कि शायद का क्या मतलब है आपको आपके पुत्र का जन्मदिन ठीक से याद नहीं कुमार दंपति बोले कि बहु भगवान ने तो हमें ओला नहीं दिया एक दिन एक रात्रि को जब हम सोकर उठे तो हमने देखा कि कोई चाक पर अपना बच्चा छोड़कर चला गया है हमने सोचा कि यह भगवान का आशीर्वाद है यह सोचकर ही हम इसे पालने पोसने लगे यह सुनकर बेमाता की बेटी घबरा गई वो बोली कि जिस कपड़े में यह बच्चा लिपटा हुआ था क्या वह कपड़ा अभी आपके पास है अगर है तो क्या आप मुझे वह कपड़ा दिखा सकती हैं? तो कुमारी ने एक बक्से में से वह कपड़ा निकाल करके बेमाता की बेटी को दिखाया कपड़ा देखकर बेमाता की बेटी थर थर कांपने लगी उसने उस कपड़े को उठाया और बाहर मटकियां पकाने के लिए आवा लगा हुआ था बेमाता की बेटी उस कपड़े को लेकर आवे में कूद गई और जल कर मर गई माता तेरा खेल बड़ा ही विचित्र है तेरी लीला को न तो कोई समझ सका है नहीं समझ पाएगा। इस तरह मनुष्य का भाग्य उसके जन्म लेते ही बेमाता लिख देती है ब्रह्मा जी ने ही बेमाता को यह कार्य सौंपा था इसलिए मनुष्य चाहे कुछ भी प्रयत्न कर लेकिन उसके भाग्य में होता वही है जो बेमाता ने उसके भाग्य में लिखा होता है बोलिए बेमाता की जय नौ देवियों में किस्मत की देवी की कथा जरूर सुननी चाहिए आइए अब हम किस्मत की देवी की कथा का शवन करते हैं बहुत पुरानी बात है एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी बूढ़ी माँ दो बेटियों और पत्नी के साथ रहता था ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था ब्राह्मण की बेटियों में से एक बेटी का नाम रत्ना तो दूसरी का नाम सुवर्णा था ब्राह्मण रोज घर से अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि करने के लिए जाता और देर रात्रि में ही घर आता कड़ी मेहनत करने के बाद भी ब्राह्मण दो वक्त की रोटी का जुगाड़ ही अपने परिवार वालों के लिए कर पाता था ब्राह्मण की बड़ी बेटी सुवर्णा बड़ी ही दयालु मिलनसार स्वभाव की थी सुवर्णा अपने मन की बातें अपनी दादी से किया करती थी सुवर्णा दादी की बड़ी ही लाडली थी सुवर्णा की सभी सहेलियां बहुत अमीर उनके सभी के अच्छे अच्छे घर थे गाड़ी नौकर चाकर सब थे वे रोज नए नए स्वादिष्ट व्यंजन खाते नए नए कपड़े और आभूषण पहनते थे तब एक दिन सुवर्णा ने अपनी दादी से पूछा कि दादी हम इतने गरीब क्यों हैं जबकि हमारे सभी रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी यहाँ तक कि मेरी सभी सहेलियां अमीर है ऐसा कहकर सुवर्णा उदास हो गई दादी बोली कि बेटा अमीर गरीब तो सब किस्मत में लिखा होता है हमारे कर्म में जो लिखा है वही हमें मिलता है तब सुवर्णा दादी से बोली कि दादी फिर बाबा ज़्यादा मेहनत क्यों नहीं करते ज़्यादा क्यों नहीं कमाते ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके तो दादी बोली बेटा ऐसी बात नहीं है तेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन किस्मत में जो लिखा होगा उतना ही तो मिलेगा तब सुवर्णा बोली कि दादी ये किस्मत के भगवान कौन होते हैं दादी बेचारी क्या जवाब देती उसने यूं ही कह दिया कि बेटी किस्मत की देवी हमारे हाथों की लकीरों में होती है तब सुवर्णा ने अपना हाथ दादी के आगे कर दिया और बोली कि दादी मेरे हाथ में देख कर के बताओ कि कौन सी लकीर किस्मत की देवी होती है तब दादी ने एक लकीर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी ये वाली लकीर किस्मत की लकीर है उस लकीर को देखकर सुवर्णा बोली कि दादी किस्मत की लकीर मेरे हाथ में तो है फिर भी हम गरीब हैं। अब दादी बिचारी क्या जवाब देती दादी ने फिर से यूं ही कह दिया कि बेटी तेरे हाथ में किस्मत की लकीर तो है लेकिन वह बहुत पतली है गहरी और मोटी नहीं है इसीलिए हम गरीब हैं अब सुवर्णा रोज अपने हाथों की लकीरों को देखने लगी और मन ही मन कुछ सोचने लगी अब सुवर्णा अकेले में हाथ की किस्मत वाली लकीर को नुकीली लकड़ी से गहरी करने लगी जब भी समय मिलता वह किस्मत की लकीर पर नुकीली लकड़ी चलाने लगी इस तरह समय बीतने लगा उधर दादी ने समझा कि उसने सुवर्णा को समझा बुझा दिया तब एक रात्रि को हमेशा की तरह सुवर्णा अपनी दादी के पास सो रही थी अर्ध रात्रि में दादी का हाथ नींद में ही सुवर्णा के सिर पर लगा तो दादी ने देखा कि सुवर्णा का शरीर बुखार से तप रहा था दादी ने बिजली जलाई सुवर्णा को संभाला तो, तो उसका मुंह और आंखें बुखार से लाल हो रही थी दादी ने सुवर्णा से कहा कि बेटी तुझे तो बहुत तेज बुखार है मैं तेरे माँ और बाबा को दूसरे कमरे में से बोली कि नहीं दादी माँ और बाबा को मत बुलाना नहीं तो वे मुझे बहुत डांटेंगे दादी ने कहा कि बेटी तुझे क्यों डांटेंगे तूने ऐसा क्या गलत कर दिया तब सुवर्णा ने दादी को अपना हाथ दिखाया दादी भोचक्की रह गई दादी ने कहा कि बेटी तेरे हाथ में तो सूजन आ रही है पूरी हथेली लाल और नीली हो रही है यह सब कैसे हुआ तो सुवर्णा ने दादी को पूरी बात बताई सुवर्णा ने बड़ी ही मासूमियत भरे शब्दों से दादी को पूरी सच्चाई बता दी सच्चाई सुनकर दादी का कलेजा मुंह को आ गया दादी ने सुवर्णा की हथेली को कई बार चूमा तब दादी ने ही सुवर्णा को बुखार की दवाई दे दी वह जानती थी कि अगर यह बात बेटा बहु को पता चलेगी तो सुवर्णा के साथ वे दोनों उसे भी भला बुरा कहेंगे उस रात दादी अपनी पोती के सिर पर गीली पट्टी बदलती रही तब दादी ने उत्तर दिशा की ओर जमीन पर बैठकर किस्मत की देवी को प्रणाम करके प्रार्थना करते हुए बोली कि हे किस्मत की देवी मैं नहीं जानती कि आपका वजूद है या नहीं मैंने तो अपनी पोती को आपका नाम लेकर यूं ही कह दिया था आपकी किस्मत की लकीर उसके हाथ में गहरी नहीं है इसलिए हम गरीब हैं उसने अपनी किस्मत की लकीर को नुकीली लकड़ी से गहरी करी जिससे उसकी पूरी हथेली सूज गई उसे तेज बुखार आ गया हे किस्मत की देवी अगर आप मुझे सुन रही हैं तो मेरी पोती सुवर्णा को ठीक कर दीजिए हे किस्मत की देवी उसकी जगह आप मुझे उठा लीजिए लेकिन मेरी पोती को बचा लीजिए पूरी रात्रि दादी किस्मत की देवी से प्रार्थना करती रही तब स्वर्ग में माता लक्ष्मी का सिंहासन डोल पड़ा तब माता लक्ष्मी माता पार्वती और माता दुर्गा का सम्मिलित रूप किस्मत की देवी ने दादी और पोती को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं स्वर्णा की मासूमियत भक्ति से प्रसन्न हुई अब तुम चिंता मत करो तुम्हारी गरीबी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी ऐसा कहकर किस्मत की देवी अंतर्ध्यान हो गई सुबह जब दादी पोती सोकर उठी तो सुवर्णा का बुखार उतर चुका था, हाथ की की हथेली सूजन और लालिमा भी खत्म हो चुकी थी दादी पोती ने दोनों ने सपने वाली बात एक दूसरे को बताई कि तभी दरवाजे पर राजा का एक पहरेदार आया और ब्राह्मण को आवाज लगाने लगा कि आपको राजा जी ने दरबार में बुलाया है बेचारा ब्राह्मण डर गया कि पता नहीं राजा जी किस दोष की सजा सुनाएंगे ब्राह्मण बेचारा डरता डरता राजा के दरबार में पहुंचा राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे देवता आप खड़े क्यों हैं? आप सिंहासन ग्रहण कीजिए आप आज से ही हमारे दरबार के राज पुरोहित घोषित किए जाते हैं साथ ही रहने के लिए हवेली नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट रथ सभी दिए जाएंगे और हर महीने सौ स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएगी यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ घर आकर उसने सबको पूरी बात बताई दादी पोती को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किस्मत की देवी उनकी गरीबी इस तरह इतनी जल्दी दूर कर देगी उसी दिन से ब्राह्मण का परिवार नई हवेली में रहने चला गया जहाँ ईशु आराम के सारे साधन उपलब्ध थे एक किस्मत की देवी जैसे आपने सुवर्ण की सुनी उनकी गरीबी दूर करी वैसी सब की करना कहानी कहने वाले की सुनने वाले की और भने वाले की की और नौ देवियों में दहरी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए आइए अब हम ड्यूडी माता की कथा का शवन करते हैं काशी नगरी में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था ब्राह्मण दंपति वह उनके दो पुत्र और एक पुत्री थी ब्राह्मण सोम शर्मा ठीक ठाक कमा लेता था रोज अपने यजमानों के पूजा पाठ करने जाता। बदले में वे उसे उसको पारिश्रमिक देते साथ ही आटा दाल तेल घी गुड़ चीनी कपड़े इत्यादि भी देते थे लेकिन घर में बरकत नहीं थी दो तीन दिन में ही सारा सामान खत्म हो जाता था कई कई बार तो ब्राह्मण दंपति को अपने बच्चों के साथ भूखा ही रहना पड़ता था ब्राह्मण सोम शर्मा खूब कर मेहनत करता लेकिन जितना कमाता, सब कम पढ़ने लगा। देखते, देखते बच्चे भी बड़े हो गए फिर एक दिन बड़े बेटे का विवाह हो गया बड़ा बेटा भी वैदिक शिक्षा में निपुण था उसे भी काशी मंदिर में वेद पढ़ाने का काम मिल गया छोटे बेटे को भी एक स्कूल में शास्त्र पढ़ाने का काम मिल गया अब घर में तीन जने कमा रहे थे लेकिन फिर भी धन कम पड़ रहा था ब्राह्मण ब्राह्मणी समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है जब अकेला सोम शर्मा कमाता था तब भी घर में कम पड़ता था अब तीन तीन जने कमा रहे हैं फिर भी घर में पैसा कम पड़ रहा था तब एक दिन काशी मंदिर के पुजारी आत्मा राम ने सोम शर्मा के बड़े पुत्र से अपनी पुत्री के बारे में कहा कि बेटा कोई सुशील योग्य लड़का हो तो मेरी पुत्री के लिए बताना मेरी बेटी सुलक्षणा विवाह लायक हो गई है तब सोम शर्मा का बड़ा पुत्र जिसका नाम धीरज था उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी महाराज ये तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा मेरा एक छोटा भाई है वह स्कूल में शास्त्र पढ़ाता है अगर आप चाहें तो अपनी बेटी का विवाह मेरे छोटे भाई के साथ करवा सकते हैं यह सुनकर पंडित आत्मा राम जी जो एक ज्योतिषी थे पंडित आत्मा राम जी को बड़ी खुशी हुई तब उन्होंने एक नाई को भेजकर रिश्ते की बात आगे जलवाई दोनों की जन्म कुंडली का मिलान करवाया गया तो सब ठीक निकला फिर एक दिन सोम शर्मा के छोटे पुत्र का विवाह पंडित आत्मा राम जी की बेटी सुलक्षणा के साथ हो गया पंडित आत्मा राम जी एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे तो उनकी बेटी को भी ज्योतिष शिक्षा का ज्ञान था वह घर कार्य में ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र में भी दक्ष थी सुलक्षणा जब शादी होकर ससुराल में आई तो उसने देखा कि उसके ससुराल के घर के मुख्य दरवाजे की दहरी टूटी हुई थी मुख्य दरवाजे का आंगन भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था नव नवेली सुलक्षणा उस समय तो चुप रही जब पग फेरे की रसम हो गई और सुलक्षणा ससुराल में वापस आई तो उसने अपने पति जेठ और सास ससुर से कहा कि आप सब पहले घर के मुख्य दरवाजे की दहरी और आंगन को ठीक करवाइए जिस घर के मुख्य दरवाजे की दहरी टूटी हुई हो मुख्य आंगन जगह जगह से उखड़ा हुआ हो आंगन टूटा फूटा हो तो उस घर से लक्ष्मी जी कोसों दूर रहती है उस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता यह सुनते ही ससुर का माथा ठनका उसके ससुर को भी ज्योतिष विद्या का थोड़ा बहुत ज्ञान था उसने अपनी नई बहू से कहा कि बहू तुम ठीक कहती हो हम लोगों का तो कभी इस ओर ध्यान ही नहीं गया उसी दिन एक कारीगर को बुलवाया गया और घर की दहरी ठीक करवाई गई मुख्य दरवाजे के आंगन को भी ठीक करवाया गया फिर नई बहू ने अपनी सास और जेठानी के साथ मिलकर दहरी पूजन किया दरवाजे के दोनों तरफ सुंदर सुंदर स्वास्तिक बनाए डहरी पर सुंदर सुंदर मांडने मांडे अब रोज संध्या के समय सुलक्षणा अपनी सास और जेठानी के साथ डहरी पूजन करने लगी धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी घर में बरकत रहने लगी माता लक्ष्मी का उनके ऊपर आशीर्वाद बरसने लगा घर में अन्न धन के भंडार भर गए स्थाई लक्ष्मी का वास होने लगा जिस घर के मुख्य दरवाजे की दहरी टूटी फूटी हो आंगन जगह जगह से उखड़ा हुआ हो उस घर में दरिद्रता का वास होता है हे माँ लक्ष्मी जैसे आपने ब्राह्मण दंपति के घर में स्थाई वास किया वैसे सबके घर में करना कहने वाले के ऊपर सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर आइए अब हम नौ देवियों में माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करते हैं एक बार एक गांव में एक गरीब किसान पति पत्नी थे उनके एक बच्चा था जिसका नाम गोलू था दोनों पति पत्नी भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के परम भक्त थे उनके दो बीघा जमीन थी जिस पर दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करते थे परंतु उनकी किस्मत में दरिद्रता का निवास था नारायण भगवान और माता लक्ष्मी की वे खूब पूजा पाठ करते थे लेकिन उनकी किस्मत में सुख लेश मात्र का भी नहीं था कहते हैं ना प्रारब्ध तो सभी को भोगने पड़ते हैं पिछले जन्मों के कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती उधर दूसरी तरफ उन्हीं के गांव में एक सेठ व्यापारी था वह किसी भी भगवान की पूजा नहीं करता था नहीं कोई व्रत उपवास ही करता था लेकिन वह किस्मत का धनी था सोना चांदी पैसा दौलत प्रचुर मात्रा में थी घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी वह गांव में लोगों को रुपया उधार देता था लेकिन रुपया उधार वह किसी चीज को अर्थात जमीन दुकान घर को गिरवी रखने के बाद ही वह रुपया उधार देता था वह सेठ व्यापारी बड़ा ही लालची था गाँव में सभी जानते थे कि वह व्यापारी मजबूरी का फायदा उठाना जानता था अगर कोई गिरवी चीज बहुत बेश कीमती हो चाहे दुकान जमीन हो अगर उसकी नीयत उस पर आ जाती तो वह उस गिरवी चीज को किसी न किसी तरह हड़प ही लेता था एक बार किसान के पास जमीन पर खेती करने के लिए खाद और बीज के पैसे नहीं थे तब दोनों किसान पति पत्नी उसी सेठ व्यापारी के पास रुपया उधार मांगने गए सेठ ने कहा कि मैं पैसा तो उधार दे दूंगा लेकिन बदले में गिर क्या रखोगे तब किसान पति पत्नी बोले कि सेठ जी हमारे पास तो ले देकर जमीन ही है अतः आप हमें जमीन पर रुपया उधार दे दीजिए फसल आते ही हम ब्याज सहित आपका पैसा चुका देंगे तब किसान पति पत्नी लिखा पढ़ी की बात करने लगे तो सेठ नाराज हो गया क्या तुम दोनों को मेरी जुबान पर भरोसा नहीं जो लिखा पढ़ी की बात करते हो लेना हो तो मेरी जुबान पर रुपया उधार ले लो नहीं तो यहाँ से चलते बनो बिचारी किसान पति पत्नी डर गए सहम कर बोले कि ठीक है सेठ जी आप नाराज क्यों होते हैं हम आपकी जुबान का मान रखते हैं, लेकिन आप भी हमारे इष्ट देवता भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को साक्षी मानकर हमें हमारी जमीन के ऊपर रुपया उधार दे दीजिए अब भगवान ही हमारी इस बात के साक्षी हैं। यह सुनकर सेठ राजी हो गया और भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का नाम लेकर कहता है मैं तुम्हें दस हजार रूपए तुम्हारी जमीन गिरवी रखकर दे रहा हूँ अगर यह रुपया ब्याज सहित एक साल बाद नहीं लौटाओगे तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी किसान पति पत्नी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था कि वो ही हमारी जमीन की रक्षा करेंगे किसान पति पत्नी सेठ से रुपया लेकर घर आ गए फिर किसान ने खाद और बीज खरीदी पूरी मेहनत से वह खेतों में जुट गया उस साल बारिश भी बहुत अच्छी हुई थी तो किसान की फसल भी बहुत अच्छी हुई किसान पति पत्नी बहुत खुश थे किसान ने फसल काटी मंडी में बेचकर आया फसल के बहुत अच्छे दाम मिले तब दोनों किसान पति पत्नी दस हजार रुपए और ब्याज लेकर सेठ व्यापारी के घर गए तो व्यापारी की नीयत जो पहले ही बदल चुकी थी वह बोला तुमने जमीन मुझे बेची थी मैंने दस हजार रुपए जमीन बेचने के बदले में दी थी अब से तुम्हारी जमीन मेरी हुई किसान पति पत्नी बहुत रोए गिड़गिड़ाने लगे सेठ जी के चरण पकड़ कर बोले कि सेठ जी हमारे ऊपर दया कीजिए हमने आपसे दस हजार रूपए जमीन गिरवी रख कर ली थी न कि जमीन बेच कर ली थी यह सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इन दोनों को धक्के मार कर घर से निकाल दो सेठ ने अपने नौकरों से कहकर किसान पति पत्नी को धक्के देकर निकलवा दिया जाते जाते किसान पति पत्नी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी इस बात के साक्षी तो भगवान नारायण हैं, माता लक्ष्मी हैं, अब वो ही इसका न्याय करेंगे सेठ बोला जा जा बड़ा आया देख लेंगे दोनों किसान पति पत्नी के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जो जमीन उनके माए बाप थी वह उनसे छिन गई इस बात की खबर देखते ही देखते पूरे गांव भर में फैल गई सभी ने किसान पति पत्नी को ढांढस दिलाया दोनों पति पत्नी उस रात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए सो गए तीन दिन बाद पता चला कि सेठ के लड़के को लाइलाज बीमारी हो गई बड़े बड़े डॉक्टर नीम हकीम को दिखाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ तब वैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि हे प्रभु आपका भक्त किसान बड़ी ही दयनीय हालत में है अब उसके सभी पाप धुल चुके हैं उसके पापों का बोझ सेठ के अत्याचारों ने कम कर दिया है अब आप ही कुछ कीजिए तब भगवान नारायण माता लक्ष्मी से बोले कि हे देवी इसमें मेरा कोई काम नहीं है यह काम तो आप स्वयं भी कर सकती है आप सेठ के घर से निकलकर किसान के घर में निवास करिए इससे किसान के सभी दुख दूर हो जाएंगे तब माता लक्ष्मी बोली ठीक है प्रभु उस रात्रि को माता लक्ष्मी ने सेठ को दर्शन देकर कहा कि हे दुष्ट नीच तेरे पापों की सजा तेरे बच्चे को मिल रही है तेरे अत्याचार बढ़ गए हैं तूने दीन दुखियों की आह ली है तुझे उन दिन दुखियों की आह लगी है अगर तू चाहता है कि तेरा पुत्र ठीक हो जाए तो किसान पति पत्नी की जमीन तू उन्हें वापस लौटा दे तूने मुझे नारायण भगवान को हाजिर नाजिर मान कर। किसान पति पत्नी की जमीन पर उन्हें दस हजार रुपए उधार दिए थे और अब तू झूठ बोल रहा है अगर तू उन्हें उनकी जमीन नहीं लौटाएगा तो तेरा बेटा तेरे पापों की सजा भुगतेगा और हाँ अब मैं तुझे छोड़कर तेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ कि तभी सेठ की नींद खुल गई उस समय सुबह के चार बज रहे थे उसी समय उसने अपनी पत्नी और माँ को जगा कर वाली पूरी बात बताई तब उसकी माँ बोली कि बेटा तू सुबह होते ही किसान की जमीन उसे लौटा दे मैं तो कहती हूँ बेटा अब तक तूने जिस-जिस की जमीन गहने दुकान घर हड़पे हैं, वे सभी उन्हें लौटा दे तब सेठ की पत्नी बोली कि हे स्वामी मुझे धन गहना गाठा जमीन नहीं चाहिए मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए सुबह होते ही सेठ किसान पति पत्नी के घर गया और उन्हें उनके जमीन के कागज लौटा दिए और साथ ही कुछ रुपए भी दिए और अपने बुरे व्यवहार की शमा मांगने लगा और बोला कि आप दुआ करना कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए फिर सेठ ने जिस जिस की जमीन गहने दुकान घर हड़प करे थे उनको उनके सभी चीजें उन्हें वापस लौटा दी तभी चमत्कारी रूप से सेठ का लड़का स्वस्थ हो गया उस दिन के बाद सेठ का परिवार भी भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के परम भक्त हो गए कुछ वर्षों के बाद किसान पति पत्नी भी गांव के नामी पैसे वाले किसानों में गिने जाने लगे हे भगवान नारायण हे माता लक्ष्मी जैसे आप किसान पति पत्नी के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना नौ देवियों में वर लक्ष्मी देवी की कथा जरूर सुननी चाहिए आइए अब हम वर लक्ष्मी देवी की पावन कथा का श्रवण करते हैं मगध देश के राज्य में कुंडी नामक नगर था पुरातन कथाओं में कहा जाता है कि कोटि देवी देवताओं ने ही वरदान देकर उस नगर का निर्माण कराया था उस नगर में चारुमती नाम की एक ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ रहती थी वह ब्राह्मणी माता लक्ष्मी की परम भक्त थी पूजा पाठ व्रत उपवास दान पुण्य सभी किया करती थी साथ ही घर का बाहर का खेत खलियान का गाय बैसों का सारा काम करके पूर्ण निष्ठा व लगन से अपने बूढ़े सास ससुर की और पति की सेवा टहल भी करती थी ब्राह्मणी की सच्ची निष्ठा देखकर एक दिन माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणी को स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि हे पुत्री तू वर लक्ष्मी का व्रत कर मेरा पूजन कर साथ ही नगर में भी इस व्रत का प्रचार प्रसार कर तेरी सभी मनोकामनाएं मेरे वरदान से पूरी हो जाएगी माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणी को व्रत की पूरी विधि और कथा भी सुनाई और ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गई। दूसरे तो दिन ब्राह्मणी जब सो उठी तो उसे अपना रात्रि वाला स्वप्न याद आया उसने अपना स्वप्न अपने सास ससुर और पति को सुनाया तो उन्होंने कहा कि जैसा माता लक्ष्मी ने कहा तू वैसा ही कर तब उस ब्राह्मणी के साथ उसके सास ससुर और पति भी वह लक्ष्मी व्रत का खूब प्रचार प्रसार नगर में करने लगे व्रत की महिमा को सुनकर नगर की सभी स्त्रियां ब्राह्मणी के साथ वह लक्ष्मी का पूजन और माता लक्ष्मी का व्रत करने लगी पूजा कर कथा सुनकर सभी स्त्रियां कलश की परिक्रमा करती कुछ ही दिनों में चारुमती के साथ नगर की सभी स्त्रियां धनवान पुत्रवान हो गई सभी महिलाएं ब्राह्मणी की प्रशंसा करने लगी यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है और माता लक्ष्मी को सफेद चीज का भोग लगाया जाता है जैसे मावे की मिठाई और खीर का भोग लगाया जाता है पूरी श्रद्धा से व्रत करने के बाद मनोती पूरी होने पर व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए बोलिए वह लक्ष्मी माता की जय नौ देवियों में माँ गंगा मैया की कथा को जरूर सुनना चाहिए आइए अब हम माँ गंगा मैया की कथा का श्रवण करते हैं एक बार एक गांव में एक विधवा महिला थी उसके दो पुत्र थे जब उसका छोटा बेटा तीन साल का था तभी उसके पति की एक बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी विधवा महिला ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया महिला का नाम शांति देवी था वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी वह कार्तिक वैसाख माघ मास पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करती थी और हर साल गंगा स्नान करने हरिद्वार जाया करती थी इसके अलावा अपनी सामर्थ्य अनुसार वह दान पुण्य भी किया करती थी समय इस तरह बीतने लगा उस बात को पंद्रह बरस बीत चुके थे दोनों बेटे बड़े हो चुके थे शहरों में उनकी नौकरियां लग गई वहीं पर उन्होंने अपनी पसंद की लड़कियों से विवाह कर लिया विवाह करने के बाद उन्होंने मात्र चिट्ठी लिख अपनी माँ को सूचित कर दिया कि मां हमें आशीर्वाद देना हमने विवाह कर लिया है माँ ने भी चिट्ठी लिखकर अपने बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद दिया इस तरह समय बीतने लगा लेकिन बेटा बहू कभी भी अपनी माँ से मिलने गांव नहीं आए जब तक वह स्वस्थ थी उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं थी परंतु अब वह अस्वस्थ महसूस करने लगी थी एक तो बुढ़ापा दूसरा गरीबी ने उसे तोड़ कर रख दिया था तब एक दिन गांव के कुछ महिलाओं ने शांति देवी से कहा कि अरे बहन तुम यहाँ गांव में अकेली रहती हो तुम्हारे दोनों बेटा बहु शहर में रहते हैं। तो तुम्हें भी उन्हीं के पास चले जाना चाहिए अब तुम आए दिन बीमार रहती हो हम सब वैसे तो तुम्हारी देखभाल करते हैं लेकिन शांति तुम्हें भी तो पोते पोतियों का मुंह देखने की इच्छा होती होगी उस दिन शांति ने भी शहर में अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के पास जाकर रहने का मन बना लिया गाँव वालों ने शांति को शहर की बस में बैठा दिया शांति अपने दो जोड़ी कपड़े एक छोटे से लोहे के बक्से में लेकर अपने बेटा बहू के घर आ गई दोनों बेटा बहू माँ को अचानक आया देखकर उन्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई पोते पोती दादी से मिलकर बहुत खुश हुए बेटा बहू अपनी मां से बोले कि माँ तुम अचानक क्यों आई हमें बुला लिया होता तब शांति देवी अपने बेटा बहू से बोली कि तुम लोगों को तो मेरे पास आने का समय ही नहीं मिलता इसलिए मैं ही चली आई बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ कितने दिन रुकोगी माँ को तो उम्मीद ही नहीं थी कि उसके बच्चे उससे ऐसा प्रश्न पूछेंगे बेटा बहू की बात सुनकर शांति देवी अंदर ही अंदर रोने लगी और कुछ संभल कर बोली कि बेटा दो चार दिन तुम लोगों के साथ रहूंगी हरिद्वार गंगा स्नान करके गांव चली जाऊंगी उस रात बेटा बहु अंदर कमरे में जाकर झगड़ने लगे शांति देवी के कानों में गुस्सर फुसर की आवाजें आने लगी बड़ी बहू अपने पति से कह रही थी कि कल सुबह अपनी माँ को गंगा स्नान करा गाँव वाली बस में बैठा दो मुझसे तुम्हारी माँ के नखरे बर्दाश्त नहीं होंगे बड़ा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि ठीक है जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगा इस तरह शांति देवी ने वो दिन बड़े ही भारी मन से बिताया रात्रि को पोते-पोती दादी के पास खेलने लगे और बोले कि दादी दादी हमें कहानी सुनाओ शांति का मन पोते पोतियों से बातें करके थोड़ा शांत हुआ पोते पोतियों को शांति देवी ने राजा रानी की कहानी सुनाई तभी एक पोती अपनी दादी से बोली कि दादी आपके इस लोहे के बक्से में क्या है दादी ने झूठ ही कह दिया कि इसमें सोने के बिस्कुट हैं। पोते पोती बोले कि दादी हमें भी दिखाओ सोने के बिस्कुट कैसे होते हैं दादी ने कहा कि बच्चों जब मैं हरिद्वार गंगा स्नान करके वापस आऊंगी तो तुम्हें ये सोने के बिस्कुट दे दूंगी बच्चों ने सोने के बिस्कुट वाली बात अपने माता पिता को जाकर बताई सोने के बिस्कुट की बात सुनकर दोनों बेटा बहू का रवैया बदल गया पहले जो बेटा बहू अपनी माँ से रूखे स्वर में बातें कर रहे थे वे अब बड़े ही प्यार भरे स्वर में अपनी माँ से बातें करने लगे जैसे कि उन्होंने मुंह में मिश्री रख ली हो और बोले कि माँ तुम क्या खाओगी क्या पियोगी तुम इधर बैठो वहाँ बैठो ये खाओ वो पियो ऐसी बातें करने लगे शांति देवी समझ चुकी थी कि सोने के बिस्कुट वाली बात बच्चों ने अपने माता पिता को बता दी इसीलिए ये लोग मुझसे इतना मीठा व्यवहार कर रहे हैं इस तरह तीन दिन तक बेटा बहु ने अपनी माँ की खूब देखभाल करी चौथे दिन बड़े बेटा बहू अपनी माँ को हरिद्वार गंगा स्नान करा कर के ले आए सभी मंदिरों के दर्शन भी करवा लाए घर आते ही उन्होंने अपनी माँ को भोजन खिलाया माँ के भोजन खाने के बाद दोनों बेटा बहू अपनी माँ से पूछने लगे कि माँ तुमने बच्चों से कहा था कि तुम्हारे बक्से में सोने के बिस्कुट हैं। तुम्हारे पास सोने के बिस्कुट कहां से आए तो माँ बोली कि बेटा हमारे गांव की जमीन फोरलेन में आ गई थी सरकार ने जमीन के एक करोड़ रुपए दिए थे तब मैंने कुछ सोने के बिस्कुट बनवा लिए थे सोचा था कि मेरे दो दो बउे आएगी तो मैं उनको दे दूंगी लेकिन तुम दोनों ने तो मुझसे बिना पूछे ही शहर में शादी कर ली और मुझे विवाह में भी नहीं बुलाया मेरा क्या बेटा मैं तो आज हूँ कल नहीं सब कुछ तुम दोनों का ही है यह सुनकर दोनों बेटा बहुओं की आंखों में चमक आ गई दोनों ही एक से बढ़कर एक माँ की खिदमत करने लगे दूसरे दिन शांति देवी कुछ अस्वस्थ महसूस कर रही थी बेटा बहू ने उन्हें भोजन परोसा लेकिन उसने कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही तब उन्होंने मात्र दो केले और दूध पिया शांति देवी अपने बेटा बहू से बोली कि मैं कल वापस गांव चली जाऊंगी बेटा बहू ने कहा कि नहीं माँ तुम्हारा मन जब तक यहाँ रहने का करे तुम यहाँ रह सकती हो लेकिन शांति देवी बोली कि नहीं बेटा मैं कल वापस गांव जाऊंगी मेरा मन गांव में ही लगता है इस तरह रात्रि में सभी सो गए उस रात्रि को दोनों बेटों को एक स स्वप्न आया जिसमें एक सफेद साड़ी पहने हुई एक अलौकिक तेज प्रकाश वाली महिला ने आकर कहा कि अरे मूर्खों जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि आज तुम अच्छी अच्छी करते हो, हो। बड़े-बड़े मकान में रहते हो। वही माँ तुम्हारे लिए आज भारी हो गई? आज तुम सोने के बिस्कुट की वजह से उसकी देखभाल कर रहे हो मैं तुम्हारी माँ को स्वर्ग में ले जाने आई हूँ मैं उसे अपने साथ रथ में बैठाकर बैकुंठ में ले जा रही हूँ ऐसा कहकर जैसे वह देवी आई वैसे ही अंतरध्यान हो गई। अभी दोनों बेटों की नींद खुल गई दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को अपना स्वप्न सुनाया उसी समय उनकी पत्नियां भी बाहर आ गई तब वे सभी उसी समय माँ के कमरे में पहुंचे उन्होंने देखा कि उनकी माँ एकदम ठंडी पड़ी थी माँ का देहांत तो हो चुका था सुबह उन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया अंतिम संस्कार करके वे वापस घर आए घर आकर उन्होंने लोहे के बक्से को खोल करके देखा तो उसमें एक चिट्ठी पड़ी मिली जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे बच्चों जैसा बोगे वैसा ही फल पाओगे आज तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया कल तुम्हारे बच्चे भगवान न करे तुम्हारे साथ ऐसा करे मैंने गांव की जमीन गांव के सरपंच को स्कूल खोलने के लिए दान में दे दी मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा उस दिन दोनों बेटों को लगा कि सही में आज उन्हें छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए चली गई है। यह कहानी सत्य कहानियों में से एक कहानी है नौ देवियों की कथा में रक्त दंती का माता की कथा जरूर सुननी चाहिए वर्तमान में यह मंदिर राजस्थान के बूंदी जिले के सतूर गांव में स्थित है इसे सतूर माताजी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है प्रचलित और प्रमुख नाम तो माता का रक्त दंती का है आइए माता रक्त दंती का से संबंधित एक पौराणिक कथा का श्रवन करते हैं एक बार बेप्रचिति नाम का एक असुर था उसने अपने दानवी ताकत से बड़ा हाहाकार मचा रखा था वह रोज आए दिन किसी न किसी मनुष्य को खाने लगा जब वह मनुष्यों को खाते खाते थक गया तो वह देवताओं पर हमला करने लगा तब उसके आतंक से सभी दुखी होकर सभी ऋषि मुनियों व देवी देवताओं ने माँ दुर्गा से मदद मांगी तब माता दुर्गा रक्त दंतिका नाम से अवतरित हुई माता रक्त दंतिका ने सभी देवी देवताओं से कहा कि आप सब अपने अपने लोक में जाकर सुख से रहिए। मैं उस असुर को मार कर उसका रक्त पी जाऊंगी तब देवी रक्त दंतिका ने सभी छोटे बड़े असुरों को मारकर उनका रक्त पीने लगी अंत में देवी रक्त दंतिका ने बे दानव को भी मार डाला और उसका रक्त पी लिया जिससे उनके दांत लाल हो गए तभी से उनका नाम रक्त दंतिका पड़ा ये माँ कुल देवी के रूप में पूजी जाती है लोग हर नवरात्रि पर रात्रि जागरण करके इनके नाम का भंडारा करते हैं। रक्त दंतिका माता का मंदिर राजस्थान के बूंदी जिले के सथुर गांव में है मारक दंती का नकारात्मक वै बुरी शक्तियों से दूर करती है इनकी पूजा में चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है गूगल की धूप लगाई जाती है अनार के फूल सिंदूर चुनरी लहंगा अंगिया बिचिया पाजल और अन्य सुहाग के सामान चढ़ाते हैं माता तो केवल भाव की भूखी है अगर व्यक्ति पूरी श्रद्धा विश्वास भाव से हाथ जोड़कर माता के सामने दो आंसू भी बहा दे तो माता उसी से खुश होकर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देती है यह मंदिर बारहवीं शताब्दी से बना हुआ है बड़ा ही प्राचीन और जूड़ी मंदिर है दूर दूर से सभी वक्त मत्था टेकने के लिए हर साल नवरात्रि में आते हैं मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर पुनः मंदिर में आकर रात्रि जागरण पूजन आदि करके भंडारा करवाते हैं और खूब गरीबों में अन्न वस्त्र रुपया का दान करते हैं बोलिए रक्त दंती का माता की जय आइए अब हम नौ देवियों में माँ मंगला गोरी की प्रमुख कथा का चबन करते हैं एक बार एक बार गांव में साहूकार पति पत्नी थे। भगवान उनके पास सब कुछ था लेकिन शादी के छह साल बीत जाने पर भी उन्हें ओलासु की प्राप्ति नहीं हुई तब एक दिन साहूकार की भुआ उनके घर आई जब भुआ ने अपने भतीजे और भतीजे की बहू को दुखी देखा तो दुखी होने का कारण पूछने लगी तो उन्होंने बुआ से कहा कि बुआ हमारी शादी कुछ वर्ष बीत गए लेकिन अब तक भी हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ तब बुआ ने कहा कि तुम दोनों मंगला गोरी व्रत करो मंगला गोरी व्रत करने से तुम्हें औलासुख की प्राप्ति अवश्य होगी फिर वे दोनों हर मंगलवार को मंगला गोरी व्रत करने लगे और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करने लगे इस तरह कई महीने बीत गए तब एक दिन माँ गौरी ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा हे hey, साहूकार मैं तेरी और तेरी पत्नी के व्रत और पूजन से खुश हुई मांग तुझे क्या चाहिए साहूकार ने स्वप्न में ही माँगौरी से कहा कि हे माँगौरी हमें पुत्र की कामना है आप हमें एक पुत्र का वरदान दीजिए माँगौरी ने साहूकार को स्वप्न में ही कहा कि हे तू अपनी पत्नी को एक आम उस पेड़ का लाकर देना जिस पेड़ के नीचे चबूतरे पर गणेश भगवान की प्रतिमा विराजमान हो दूसरे दिन साहूकार ने अपने सपने वाली बात अपनी पत्नी को बताई। अब साहूकार उस आम के पेड़ की तलाश करने लगा जिस पेड़ के चबूतरे पर गणेश भगवान की मूर्ति हो बहुत खोजबीन करने के बाद उसे एक वन में वह आम का पेड़ भी मिल गया लेकिन उस आम के पेड़ में आम बहुत ऊंचे थे साहूकार ने आम तोड़ने की बहुत कोशिश करी लेकिन एक भी आम उसके हाथ में नहीं आया तब साहूकार आम लेने के लिए आम के ऊपर पत्थर मारने लगा तभी एक पत्थर गणेश जी की प्रतिमा को लग गया तभी वहां आकाशवाणी हुई गणेश भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख तू अपने लालच के कारण मुझे पत्थर मार रहा है जा जिस कारण तू आम ले जा रहा है तुझे बच्चा तो होगा लेकिन वह बीस वर्ष की आयु में ही एक सर्प के काटने से तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी साहूकार ने खूब अनुनय विनय करी गणेश भगवान के चरणों में गिर पड़ा लेकिन पुनः उसे कोई जवाब नहीं मिला थक हार कर उसने एक आम लिया और लाकर अपनी पत्नी को दे दिया उस आम को खाने से साहुकारी को ठहर गया और नवे महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के पैदा होने पर साहूकार को न खुशी हुई नहीं दुख हुआ धीरे धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होने लगा जब उसका पुत्र पंद्रह साल का हुआ तो वह अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा तब एक बार दोनों पिता पुत्र व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव में गए हुए थे काम खत्म करके दोनों पिता पुत्र एक पेड़ के नीचे नदी के किनारे भोजन खा रहे थे कि तभी वहां दो गांव की लड़कियां नदी पर पानी भरने आई उनमें से एक लड़की का नाम कमला तो दूसरी लड़की का नाम विमला था कमला ने विमला से कहा कि विमला मैंने सावन के मंगलवार को मंगला गोरी व्रत किए हैं मेरी माँ कह रही थी कि मंगला गोरी व्रत करने से विवाह जल्दी होता है और सुहाग भी अखंड रहता है पिता पुत्र उन दोनों लड़कियों की बातें सुन रहे थे साहुकार ने मन ही मन निश्चय किया कि अगर मैं अपने लड़के का विवाह कमला से करवा दूं तो मेरे पुत्र की उम्र बढ़ सकती है तब दोनों पिता पुत्र भोजन खाने के बाद कमला के पीछे पीछे उनके घर तक गए भगवान की कृपा से कमला का परिवार भी उन्हीं के जाति गोत्र के निकले तब साहूकार ने अपने पुत्र का रिश्ता कमला से करने का प्रस्ताव रखा कमला के माता पिता को भी रिश्ता मंजूर हो गया तब एक दिन धूमधाम से साहूकार ने अपने पुत्र की शादी कमला के साथ कर दी शादी का कुछ समय तो अच्छे से निकल गया तब एक रात्रि को माँ गोरी ने कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्री तू तो तीन बरस से मेरे मंगला गोरी कव्रत कर रही है और मेरा पूजन कर रही है तेरे इस व्रत से मैं बहुत खुश हुई लेकिन तेरा पति अल्प आयु है इसे कल रात्रि को एक सर्प आकर काट लेगा जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी लेकिन मेरा व्रत करने से तू अखंड सौभाग्यवती को प्राप्त हो गई है इसलिए मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ कल तू पहले से ही एक कटोरे में दूध भरकर रखना और एक खाली मटकी कुमार से लेकर आना की डोरी लाना और ढक्कन लाना जब अर्ध रात्रि को सर्प तेरे पति को काटने आएगा तो दूध देख कर वह दूध पीने लगेगा दूध पीते ही उसे नींद आ जाएगी तब तुम उस सर्प को उठाकर मटके में डाल देना ढक्कन लगाकर तांत की डोरी से बांध देना और जंगल में ले जाकर छोड़ आना जब यह काम तुम पूरा कर लो तब तक तुम इसका जिक्र घर में किसी से मत करना कमला बड़ी ही होशियार और समझदार थी दूसरे दिन जब रात्रि में सब सो गए तो उसने एक कटोरे में दूध रखा एक खाली मटकी तांत की डोरी और ढक्कन व खुमार से ले आई सास ससुर और उसका पति तो भोजन खाकर सो गए, लेकिन उसे नींद कहाँ आने वाली थी वह पूरी रात जगती रही अर्ध रात्रि हुई तभी एक काला नाग बहुत सी फूफाता आया दूध का भरा कटोरा देखा तो उसने दूध पिया दूध पीते ही उसे नींद आने लगी कमला ने उसी समय सर्प को पकड़ा और मटके में डाला ढक्कन लगाया और ताँत की डोरी से बांध दिया और रात्रि में ही वह मटके को ले जाकर जंगल में छोड़ आई और घर आकर सो गई दूसरे दिन उसने इस बात का जिक्र अपने पति और सास ससुर से किया बहू की बात सुनकर साहुकार दंपति ने अपनी बहू को दूधो नहाओ पोतो फलों के ढेरों आशीर्वाद दिए उस दिन साहूकार ने अपनी पत्नी और बेटे को 20 साल पहले वाली बुरी बात बताई उस दिन साहूकार को कमला से अपने पुत्र का विवाह करने वाला निर्णय बहुत भला लगा जय हो माँ मंगला गोरी की इस तरह आज हमने नव देवियों की कथा का श्रवण किया आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे करुण रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद